नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज हम आपको मिलवाएंगे ग्वालियर संभाग का जाना माना चेहरा, समाज सेवा में एक अलग पहचान बनाने वाले ग्वालियर के एडीजीपी राजा बाबू सिंह से। आपको पता है कि कोरोना जैसी भयानक बीमारी इस समय पूरे भारत में विकराल रूप ले चुकी है। चलिए अब जानते हैं इस विषय में क्या कहना है इनका। स्वागत है आपका सर। ये जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, 22 तारीख से लॉकडाउन रहा है पूरे देश में, ये महामारी चल रही है सर, इसमें आपने सर क्या क्या सर अपने बचाव के लिए, अपने पुलिस के लिए क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या आप कर रहे हैं सर, उसके बारे में अभी तक क्या हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो कोरोना पैंडेमिक पूरे विश्व में चल रहा है जी, ग्वालियर रेंज में पहले 22 मार्च का जनता कर्फ्यू जी, हमने उसको सख्ती से इन्फोर्स कराया जी। 24 मार्च से 14 अप्रैल तक एक दिन का लॉकडाउन चल रहा है जी। उसके लिए जो भी होम मिनिस्ट्री के निर्देश हैं, 24 मार्च के बाद में जो निर्देश आए हैं उनका हम सख्ती से पालन करा रहे हैं। लॉकडाउन के प्रावधानों का इसेंशियल सर्विसेज बहाल रखे हैं, दालों को मिल्क सप्लाई मिलने की बात हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, एक हो या गुड्स ट्रांसपोर्ट को बहाल रखने की बात हो, माइग्रेंट लेबर के लिए कैंप बनाने की बात हो, मेडिकेशन देने की बात हो, चेकअप की बात हो, ये सारे काम कर रहे हैं। जहाँ तक पुलिस कर्मियों की सुरक्षा का सवाल है, पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए हर पुलिस लाइन में हमने मास्क बनाने करके वितरित कराए हैं, उनको गर्म पानी दिया जा रहा है, उनको सैनिटाइजर और वितरित किया गया है, लगातार उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है कि आप लोगों की सुरक्षा लॉकडाउन के प्रावधानों को पालन कराने के साथ साथ अपने को भी सेफ रखें जी। और वापस घर जाए तो सीधे ना घुसे, कई जगह तो लोग घर ही नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे कहीं पुलिस लाइन के बैरक में रह रहे हैं, पुलिस को धोएं, आप हाथ धोएं, मुंह धोएं, सैनिटाइज करें। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं कि पुलिस अपने घर नहीं जा रही है, बाहर से अगर जैसे खाना भी खा रहा है तो कई तस्वीरें ऐसी सामने आई है कि बाहर से जा रहे, घर नहीं गए हैं वो जी, और बाहर ही रहते हैं, घर वालों को लेकर के इंजेक्शन ला दें जी, बाहर ही रहते हैं। और सर अभी जो अभी आप पुलिस प्रशासन द्वारा ग्वालियर में हेलमेट, कोरोना हेलमेट के लेके एक रैली निकाली गई थी, ये बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया था कलेक्टर एसपी ग्वालियर का, उन्होंने जो कोरोना वायरस के हेलमेट डिजाइन कराए और पुलिस कर्मी उनको लगा करके रैली निकाला, जागरूकता रैली, ताकि लोगों को बताया जा सके कि आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा इसी में है कि आप घर के अंदर रहें जी, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जी, और इससे डरें, गर्म पेय पिए, एहतियात बरतें। बहुत अच्छा इनोवेटिव काम किया है। बाकी जो जिले हैं शिवपुरी, गुरुदासपुर नगर, वो भी इसका पालन करें, मैंने निर्देश दिए। अच्छा, जनता से कोई अपील चाहेंगे सर? जनता का हमारा सारा मामला है, जनता से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि ये आपकी भलाई के लिए है, आपके परिवार की भलाई के लिए है, समाज की भलाई के लिए है, राष्ट्र की भलाई के लिए है, आप इसमें सहयोग करें, लॉकडाउन के प्रावधानों का पालन करें, घर के अंदर ना निकले। बहुत ही विशेष जो आपको जरूरत है मेडिसिन की, फ्रूट की, खेती सब्जी की, तो नियमित स्टॉल है वहाँ लेके तत्काल वापस आ जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, आप हर भी जो समय समय पर हाथ धोएं, 20 सेकंड तक सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, गर्म पेय पिए और खाली समय को आप पॉजिटिवली बिताएं, आप जो है योगा करें, अच्छे थॉट्स लाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, परिवार के साथ समय गुजारें, धार्मिक चैनल वो देखें, अपने इनर ग्रोथ करें, इनर ग्रोथ करें। थैंक यू। ठीक सर, तो ये थे हमारे साथ ग्वालियर संभाग, ये थे ग्वालियर से एडीजीपी राजा बाबू सिंह से हमारे विशेष संवाददाता सुनील रजक से खास संवाद। और भी ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए फास्ट समाचार।